अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम तारीख़ इस्लाम चैप्टर टू में अबुल अब्बास अस्सफ़ा की सीरत व किरदार और कारनामों के बारे में तफसीलन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी शख्सियत के बारे में देखते हैं कि किस तरह की शख्सियत थी। अबुल अब्बास एक बारोब और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। इब्ने असीर ने लिखा है कि इसके बाल घुंघरियाले थे, वो लंबे कद वाला गोरे रंग का, पतली लंबी नाक, खूबसूरत बारिश चेहरे वाला इंसान था। बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसकी जो पर्सनैलिटी थी उसके बारे में लिखा कि अल-फ़ख़री जो है वो कहते हैं कि वह हलीम, बावकार, आकिल, मुदब्बिर, फ़याज़ और हुस्न अखलाक से आरास्ता था। इसकी माँ का नाम रायतुल हारसिया था। मसूदी ने इसकी सियासत और खसाइल का तذکرہ करते हुए लिखा है कि इसकी राय साहिब थी, जो अज़म करता था वो पूरा करके रहता था। इखलाक शरीफाना थे, ज़र्रो माल बख्शने में बड़ा सखी था। वो अपनी इन ही शख्सी खूबियों की वजह से तमाम मुश्किलात और मसाइल से कामयाबी से ओदा बरा होकर खिलाफत बनु अब्बास को मजबूत बुनियाद फराहम करने में कामयाब रहा। मुंतज़िम और मुदब्बिर भी इसकी एक शख्सियत की एक खूबी थी। सफ़ा महज एक जंगजू और खून रेज इंसान न था, बल्कि नहायत अक्लमंद, दाना और इंतज़ामी सलाहियतों का मालिक हुक्मरान था। उसने इंतशार और बदअमनी को विरसा में पाया था, लेकिन अपनी इंतज़ामी सलाहियतों और तदब्बुर की बदौलत एक मजबूत इंतज़ामी ढांचे की बुनियादें रखने में कामयाब रहा। अमीर अली इसे एक ऐसा हुक्मरान करार देता है जिसे अपने फ़राइज़ अदा करने का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता। अल-मसऊदी ने इसके तदब्बर को खिराज तहसीन पेश करते हुए लिखा है कि वो साहिबुर राय, अपनी धुन का पक्का और पुर अज़म इंसान था। उसने मुल्क में अमन व अमान और नज़्म व नस्क बहाल करने में मेहनत शाका से काम लिया, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत की, और सूबों की हदबंदी और मुनासिब अशखास के चुनाव की जो हिकमत अमली थी, स्ट्रेटजी थी, अपनाकर मुल्क को इंतज़ामी वहदत और इस्तेहकाम अता किया। वजारत और हाजिब का ओहदा इसके हुकूमत अहदे हुकूमत में ही शुरू हुआ था, और नाराज़ और भड़के हुए अलवियों को उसने जिस तरह से खामोश करा दिया, वो उसकी जहानत और तदब्बुर की मुंह बोलती तस्वीर है। एक और उसकी पर्सनैलिटी का जो एलिमेंट था या खासा था, वो ये था कि वो सख्त गिर था। अबुल अब्बास ने अपनी खून रेजी की बिना पर तारीख इस्लाम में अस्सफ़ा के लकब से शोहरत पाई, और ये जो टाइटल था, ये लकब जो था, उसने अपने लिए खुद इख्तियार किया था। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो उमवियों से बदला लेने में कोई कसर उठा नहीं रखी उसने, और उनके इसी साल के लिए सख्त से सख्त तदाबीर इख्तियार की। औरतें और मर्द इसकी इंतकामी आग से ना बच सके, मुर्दों तक को इसने नहीं छोड़ा, और उनकी हड्डियों को कब्रों से निकाल कर जलाया। इस मामले में वो किसी भी जाबिर और दुनियावी हुक्मरान से कम सफाक नहीं था। इब्ने हबीरा अगरचे के दावत अब्बासी का हम नवा था, लेकिन चूंकि वो अलवियों का हामी था, इसलिए अबुल अब्बास ने इसे भी सियासी तकाज़ों की बिना पर कत्ल करवा दिया। अबू सलमा खलाल वज़ीर आले मोहम्मद को महज शक की बुनियाद पर मरवा दिया। इस तरह इसकी सख्त गिरी और सफाकी का अगरचे कोई अखलाकी जवाज़ नहीं था, लेकिन ये इसकी सियासी ज़रूरत थी, लिहाजा इसने अपने हर मुखालिफ को तह तह करने में कोई आर महसूस ना की। अपने मुखालफीन की हलाकत के जुर्म में
इसका किरदार किसी और बुराई से दागदार न था। इसमें कोई शक नहीं कि असफ़ा ने उमवियों के कत्ल के लिए बड़ी सफाकी का मुजाहरा किया। इस खून आशाम हिकमत अमली में जहां इसके जज्बे इंतकाम का दखल था, इससे कहीं ज़्यादा मुजरिम इसके ईरानी जो हाशिया नशीन और दरबारी थे, जो अरबों से अपनी कौमी नाकामियों और जवाल का बदला लेना चाहते थे। इसलिए वो इसके गुस्सा की आग को भड़काने में हर वक्त कमर बस्ता रहते थे। इसकी ये जो सिपाहे तथहीर, जिस पर के वो हद से ज़्यादा एतमाद करता था और जिसे इसने ताज़ीर व अकूबत की जिम्मेदारी सौंप रखी थी कि मीन्स कि वो किसी को भी सज़ा दे सकते हैं या किसी को भी जुल्म और ज्यादती का निशाना बना सकते हैं, तो ज़्यादातर जो अहले ये ज़्यादातर अहले फारस पर मबनी थी और ये लोग अब्बासियों को इस जुल्म पर उकसाते रहे। लिहाजा ये जो दरबारी हाशिया नशीन और सिपाहे तथहीर थी, बिलवास्ता इस कत्ल आम की जिम्मेदार थी, ना के तन्हा अबुल अब्बास। तो वो लोग भी इक्वली इसमें उनकी भी वो लोग भी शरीक थे। इसके अलावा एक और जो इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है या इसकी शख्सियत व किरदार का, कि इसने अलवियों के साथ बहुत ज़्यादा हुस्न सलूक किया। इन गैर मामूली हालात और हादसात के अलावा आम हालात में वो नहायत नर्म खु और हलीम था और मुखालफीन की दिलजोई और अफो दरगुजर से काम लेने में फयाजी और बुद्धबारी से काम लेता था। अबू मुस्लिम खुरासानी को अबू जाफर के बार बार इसरार के बावजूद कत्ल ना करना इसके पासे अहद का मजहर है कि उसने इसका बहुत ज़्यादा लिहाज किया। नीज अलवियों के साथ हुस्न सलूक और दरगुजर का जो फयाजाना तर्ज अमल था, उसके हुस्न सलूक और रवादारी का खुश आयन पहलू दिखाई देता है। फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा सखी था, फयाजी और दरिया दिली जो है वो भी उसकी इस शख्सियत का एक पार्ट था। ताहम इस तमाम खून रेजी के बावजूद अबुल अब्बास तबन जालिम नहीं था, मीन्स के नेचर वाइज फितरतन वो जालिम नहीं था। आम हालात में वो हलीम और बावकार था। इसकी पर्सनैलिटी में, इसकी सीरत में फयाजी और सखावत की जो सफात थी सिफात वो नुमाया थी। अलवियों को वो अक्सर इनाम और इकराम से नवाजता था। अब्दुल्ला बिन हसन ने एक मर्तबा सफ़ा से कहा कि मैंने 1 लाख दरम का नाम सुना है, कभी देखा नहीं। सफ़ा ने इसी वक्त से 1 लाख दिरहम मंगवा कर इसके सामने रख दिए और बाद में जब वो घर लौटे तो इनके पास भिजवा दिए। इस तरह जो कोई भी हाजत लेकर आता खाली हाथ वापस नहीं जाता था। और इसका ये मकोला था कि जब हम सल्तनत के मालिक हैं तो फिर हमारे मुतवस्सलीन जो हैं हमारे माल से क्यों महरूम रहें। एक और जो इसकी शख्सियत का हिस्सा थी, एक और जो खसूसियत, वो हाजिर जवाबी और जहानत थी, इंटेलिजेंस। असफ़ा बड़ा ज़हीन और हाजिर दिमाग इंसान था। अलामा सयूती ने इसकी हाजिर जवाबी का एक वाकिया जो है वो बयान किया है कि एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन हसन इनसे मिलने आए, अब्दुल्ला असफ़ा से, और इस वक्त मजलिस में बनू हाशिम और दीगर मोजीन कौम जो थे वो भी मौजूद थे। असफ़ा के हाथ में कुरान पाक था, कुरान शरीफ था। अब्दुल्ला बिन हसन ने कहा, अमीरुल मोमिनीन खुदावन तहाला ने कुरान पाक में हमारा जो हक मुकरर किया है वो हमको अता कर दीजिए। असफ़ा ने जवाब दिया कि आपके जद्द अमजद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत में मुझसे लाख दर्जा बेहतर और बरतर थे। उन्होंने आपके दादा हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो आपसे 1000 दर्जा बेहतर उबरतर थे, बहुत सी कलील रकम गुजारे के लिए दी थी। इसलिए मुझ पर वाजिब है कि मैं भी आपको उतना ही दूं जितना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबजादों को इनायत फरमाया। बस मैं अगर इतना ही दूं तो इंसाफ है और ज़्यादा कि आप मुस्तहिक नहीं। सफ़ा का ये जवाब सुनकर अब्दुल्ला बिन हसन जो थे वो
अल्लाह जवाब होगे। इसके अलावा एक और जो की शख्सियत का सीरत व किरदार का पार्ट था वो सादगी और कनात। एक अजीम शान सल्तनत का बानी होने के बावजूद इसकी ज़ाती ज़िंदगी नहायत सादा शरीफाना और तकब्बुर से पाक थी। इसकी सादगी का अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने वफात के वक्त सिर्फ 9 जुब्बे 4 कमीज़ें 5 पाजामे 4 अमामे और 3 रेशमी धारी दार चादरें वर्षा में छोड़ी, और इसकी सिर्फ एक बीवी थी और वो नमाज रोज़े का पाबंद था। इसके अलावा इसकी शख्सियत का एक पार्ट ये भी था, एक करेक्टरिस्टिक ये भी था कि इल्म दोस्ती जो है वो मींस के नॉलेज और इल्म से लगाव रखता था। अगरचे सिफा का अहद हुकूमत जंगो जदल और अमनो अमान के क्याम की जदोजहद में गुजर गया, ताहम जब भी इसे फुर्सत मुयसर आती वो अकाबिर उलमा और शोहरा की महफिलें मुनक्कद करता, शेरो अदब और मौसीकी से बहुत दिलचस्पी रखता था, मगर ऐशो इशरत से दिली नफरत थी और लोगों को अक्सर इनामों इकराम से नवाजता, और कहा करता कि जो लोग सरूर मुझे नक्त देते हैं इनका इनाम उधार पर नहीं टाला जा सकता।